हेलो सर। ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके नांदिलेस, हाउ आर यू? आई एम ओके सर, हाउ आर यू? आई एम गुड 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 आई एम गुड। चलो सो अभी एनीथिंग, एनी अपडेट फ्रॉम द बीएचयू इटसेल्फ? कुछ आया? नो सर, नहीं, अभी काउंसलिंग पोर्टल में 2020 का ही ओपन है। काउंसलिंग पोर्टल ओपन नहीं हुआ कब तक ओपन होगा वो? सर? दिसंबर फर्स्ट वीक। आई हैव इन दिसंबर? टच विद सम स्टूडेंट्स फ्रॉम बीएचयू, तो दे टोल्ड मी दिसंबर फर्स्ट वीक। दिसंबर फर्स्ट वीक। और उसके बाद आपका ये कब से स्टार्ट होगा, सेशन कब से स्टार्ट होगा? तो फिर बीएचयू का No update regarding this. There is no update. नो अपडेट। आप 2 साल वाले में जा रहे हो या 1 साल वाले में जा रहे हो? सर, दो उसी साल वाला ही adopt किया क्योंकि सर simultaneously I have to prepare for judiciary ना, that will be easier for me to prepare to both. अच्छा अच्छा है। द रीजन बीइंग के 2 साल में टाइम ही मिलेगा आपको, Yes sir. आसानी से आप एलएलएम भी अच्छे से कर पाओगे, Yes. जुडिशियरी का प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाओगे। तो आई थिंक 2 इयर्स एलएलएम वेरी 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 हेल्पफुल, बेनिफिशियल Yes, sir. पर्टिकुलर। One year is somehow hectic. हाँ I have heard ठीक that. है, वो हर साल स्टूडेंट जाते तो है डेफिनेटली, बट जो करते हैं उनको ही पता है कि कितना हेक्टिक है एक्चुअली। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कभी कभी टॉप इंटरव्यूज में सुबह 8 से रात को 8 बजे तक भी क्लास चलता है, उसके बाद नेक्स्ट डे आओ फिर पीपीटी बना के फिर प्रेजेंटेशन दो, एंड ऐसा सिचुएशन रहता है कभी कभार। Yes, sir. Yes, sir. इट्स वेरी NLU डिफिकल्ट। का O का एक स्टूडेंट है, आई हैव बीन इन टच विद हिम, ही टोल्ड मी दिस। हाँ, इनली वो क्या टॉप इंटरव्यू में भी हर जगह सेम ऐसा ही चल रहा है, यस बट नॉनदिलेस यू आर गोइंग फॉर इट, दैट्स वेरी ग्रेट आकांक्षा। सो बेसिकली वी हैव विद अस आकांक्षा पांडे, एंड शी हैज रैंक्ड ऑल इंडिया 23 इन बीएचयू 2021। एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू आकांक्षा, इज दैट कि बीएचयू का एग्जाम जो इस बार क्वेश्चन पैटर्न था, हाउ वाज द क्वेश्चन पैटर्न बेसिकली? सो इट वाज इजी टू मॉडरेट। Easy to moderate, right? यस सर, यस सर। That's great. Easy to moderate. अब तो ये आईलेट से ज़्यादा easy था या आईलेट से ज़्यादा tough था? तो इन सेम लेवल, हमेशा ही बीएचयू का पेपर एलेट के लेवल का ही होता है। इनफैक्ट बीएचयू का ज्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से। आई हैव एनालाइज्ड पेपर्स, तो मेरे हिसाब से एलेट से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट इस बार सेम लाइन पे था। The reason being के कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बीएचयू में ज्यादा पढ़ना होता है जो एलेट में नहीं होता है। फैमिली लॉ, फैमिली फैमिली लॉ। लॉ भी होता है, एनवायरमेंटल लॉ भी होता है जो यस एलेट सर, में नहीं होता। एनवायरमेंटल लॉ। यस सर। जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, दैट्स ट्रू। सो यू आर सेइंग इजी टू मॉडरेट, ठीक है आकांक्षा, बट एक चीज मुझे आपसे पूछना है कि आप तो ऑलरेडी क्लैट के मामले में यू हैवंट क्रैक द क्लैट, ठीक है, हम यस आपसे तो बात ही हुआ था राइट, कि सर। वी आर सो होपफुल यू आर गोइंग टू क्रैक द क्लैट बिकॉज यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन मॉक, ईच एंड एवरी मॉक, बट समहाउ लक साथ नहीं दिया या कुछ भी बोलो क्या हुआ पता नहीं, यू मेड सम मिस्टेक्स और समथिंग, बट समहाउ गॉट थ्रू के क्लैट नहीं हुआ, उसके बाद एलेट भी नहीं हुआ, एंड लकीली यू यू क्रैक द बीएचयू। नाउ एक चीज मुझे पूछना है आकांक्षा, कि ये बीएचयू का जो क्वेश्चन पेपर था इस बार, ठीक है, यस हाउ इट सर। इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर? लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ डिफरेंट था या प्रीवियस ईयर को फॉलो कर सकते हैं बीएचयू के एस्पिरेंट? व्हाट डू यू सो से? यू हैव टू फॉलो प्रीवियस 10 इयर्स पेपर्स, एटलीस्ट टेन। यस सर, यस सर। और इन द लाइन ही था, ज्यादा डिफरेंट नहीं था, बट यू हैव टू फॉलो प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके। तो आप एक बार बताओ कि कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा पूछे गए थे, कोई मेजोरिटी, एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन आस्क्ड मेजरली दिस टाइम? सर, इंटरनेशनल लॉ, एविडेंस, सीआरपीसी तो इस बार नहीं था, बट हर बार होता है, बट इस बार नहीं था सीआरपीसी, बट हर बार तो होता ही है। ओके और इन्वायरमेंटल लॉ बहुत अच्छे से पूछते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम कन्वेंशंस बट ऑल्सो फ्रॉम बैर एक्ट। आई हैड बैर एक्ट इन्वायरमेंटल लॉ के सारे एक्ट थे, फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और अपने वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही, उसके साथ सारे एक्ट इन्वायरमेंटल लॉ यू हैव टू कवर इन ग्रेट डिटेल, क्योंकि आते हैं उसे 7-8 क्वेश्चन आते हैं। और इन इंटरनेशनल लॉ आई ऑलरेडी टोल्ड, फैमिली लॉ, फैमिली लॉ मेजोरिटी में भी आते हैं, वाह। और बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब वही है। तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, यस मतलब क्लैट क्लैट के सब्जेक्ट्स या एलेट के यस सब्जेक्ट्स, बट एलेट के साथ कुछ डिफरेंस जो हम लोग पहले डिस्कस किए कि एनवायरमेंटल लॉ फैमिली लॉ यहाँ पर ज्यादा ऐड है, राइट? यस ये इस बार तो इन्वायरमेंटल लॉ क्लैट में भी, एलेट में भी आया था ना, 2 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल लॉ से और 2 क्वेश्चन फैमिली लॉ से भी थे, चलो, सो दे आर द सब एक साथ। एनवायरमेंट।
सब एक साथ ही आ रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन आकांक्षा. नाउ आकांक्षा और एक चीज मुझे आपसे पूछना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने आए थे बेसिकली मेजॉरिटी. सो देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आ रहे हैं, बट हां मेजॉरिटी में इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ एंड एविडेंस आल्सो. एविडेंस बेयर एक्ट ओनली, बेयर एक्ट एंड कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं आता, बट यू हैव टू रीड इलस्ट्रेशंस होली. पूरे एक्ट के इलस्ट्रेशन बेस्ड आते हैं. कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट. ये सब सब्जेक्ट से 10 10 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, राइट? यस सर, यस सर. 8 से 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एविडेंस या सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर बीए, राइट? यस, दैट्स स्ट्रेट. दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. नाउ आपका तो ये बीएचयू में यू ऑलरेडी क्रैक्ड इट. नाउ one thing Akanksha that I want to ask you is that ke your journey is quite different, right? very different that I know, because we were talking regarding ke your preparation and each and everything, how to go about it. Now how difficult for you after ELET to get back and just prepare for the BHU, because I hope your friends and everyone around you more or less they have cracked the CLAT or ALET or somehow kuch na koi koi na koi private university mein chala gaya tha, they are already halfway in their LLM, wo log LLM ke ek semester khatam bhi kar chuke hain. How difficult for you ke you waited for the BHU? And it was difficult in terms of making the mind ki no, I have to go to a good university. Private university to sab bhi kar sakte hai na. Exactly. And one thing very helped me was Dhanya's interview. It was very helpful for me. Yes. It was very motivational. Yes. So Dhanya's interview that we have seen, ke All India Rank 3, one she is giving for the next time. Yes. Yes, sir. That's why. Hmm. I also thought ki agar BHU mein nahi hua, I'll give next time. ELET ka try fir se main karungi. That's great. Because देखो problem ये था कि आकांक्षा जब हम लोग बात कर रहे थे, आप इतना अच्छा mock में कर रहे थे, we were expecting, you were also expecting के CLAT तो एक हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ELET तो पक्का ही होने वाला है more or less. But somehow the things were not going your way. कुछ ना कुछ problem या कुछ mistakes, कुछ silly mistakes होके कुछ जा रहा था. Now आपका सबसे इस बार सबसे unique था कि BHU का exam बहुत बाद में हो रहा था. Right. Yes, sir. And you stick to it. के नहीं मुझे BHU के exam तक wait करना है. या मुझ मैं कोई भी LLM exam ले लेता हूँ and something like that. You didn't do that and that's quite commendable. That's quite commendable for you, from your part के you waited. के चलो BHU में दूंगा तो अच्छे से दूंगा. Okay. I'm going to go for it. मतलब I'm going to go for it. Right. At the end of the day. Yes, sir. Notes तो थे ही, सारे subjects पढ़े हुए थे, तो I thought why not? Why not? Yes. Sometimes it is difficult to make the mind ki chalo chhod dete hain, LLM entrance hi to hai, chalo judiciary to karna hai, chalo judiciary ke liye padhte hain. Ye ek mindset hai na, ye that I like about you the most ke LLM judiciary aapko dene, aap dene wale the, you told me long way back when you were people ended. Also suggested we leave that na, you have to go for judiciary at in the end, leave that. But sir, jo sochna tha wo to karungi, wo maine yahi socha tha ki socha hai karungi. Exactly. And that is the thing, ke, no, you want to do the LLM, you have prepared for it. And that's why go for the next. Matlab, BHU bahut achha university hai, and judiciary, it's one of the best. It is the best kind of. Time bhi milega, you have good professors to talk about, and aapko achha specialization milega, each and everything. But your journeys and your story is quite different for all those students. जो छोड़ देते हैं, क्लैट नहीं होता है, छोड़ दो यार, क्या देर थाउजेंड स्टूडेंट्स हर साल यही करते हैं, क्लैट नहीं होता है, छोड़ देते हैं, आईलेट नहीं होता यार, छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है. बट देर आर समहाउ डाउन द लाइन देर आर लॉट ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज लाइक BHU, लाइक DU, लाइक ILI, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. ILI DU also? No sir, I haven't. Okay. So that's the beauty of it. Kis, agar aap wait karte ho, aapka preparation agar acha hai, and if you have belief ki I'm going to crack it somehow or other, to exam mein to crack honge hi honge, definitely for sure. And that's quite awesome. Now
How's it? I mean, you have done a lot of things, Akanksha, that I know. How was your journey so far with us? How was your journey? So it was good. Like we started in October itself, last October, and classes were started from November, in the first November. Then we started from subjects, then judgments, then answer writing also simultaneously. Arohi ma'am was with us. So it was very good. Joining JurisHBI was the best decision. Like I also told ki I haven't read or I haven't studied much in my college days. But last year, socha ki chalo karna hai. Yes. And that JurisHBI has helped you. We have helped you. The one very commendable thing about you is that you always cooperated. You cooperated brilliantly every time. Yes, sir. I write an answer. Yeah, I had a talk with you after your joining, more or less. You said, sir, I haven't read anything in 3 years in college. I haven't read anything. 4 years, sir. 3 years. I haven't read anything. I haven't done any subjects properly. Sir, I am not blaming my college, but college se mera kuch nahi hua hai. But I want to do something. I want to do something with my life. And that's where you just given everything. And from the very October itself, you have given everything, either class bolo or everything, your preparation, you were always up to the mark. And that's why ek cheez mein hamesha, Akanksha, aapko to, you are already an example of it. Ke bahut sare student, jo aapke college ya aapke aaspaas ke college ya बहुत सारे छोटे मोटे कॉलेजेस से आते हैं जहां पर शायद उतने फैकल्टी अच्छा नहीं है या समथिंग द पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व ठीक है रियली बेटर वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उन लोगों को थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए एंड दे कैन डू रियली बेटर देन टॉप एनएलयू स्टूडेंट ठीक है बट दे गॉट स्टक इन द सिचुएशन इटसेल्फ कि नहीं होगा जुडिशरी करेंगे बट नहीं होगा But CLAT ka jo syllabus hai na sir, wo it is very vast. So you can follow it with judicial preparation also. You can use it for good, for your good. Like I told you ki judiciary karna hai, but jab hum constitution padhte hain, to hum usko connect nahi karte. But jab hum CLAT ke liye padhenge, jis tarah se judgment padhte hain CLAT ke liye, so you can very well connect with the provisions like CRPC also, evidence also. बाद में अगर जुडिशरी नहीं निकल लेगा तब एलएलएम कर लेंगे यार एक चीज आप समझो इफ यू आर गोइंग फॉर द एलएलएम एग्जाम आपका आपका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा आपका प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा एंड यू नो इट बाय योरसेल्फ आफ्टर एक क्लैट में यू माइट हैव फेल्ड आप एलेट में फेल किए हो बीएचयू क्रैक किए हो बट इन तीनों इंस्टेंस के लिए आप खुद बताओगे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आप कितनी बार पढ़े यस सर 2 टू 3 टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड ओनली बट पीपल आर नॉट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम आप ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए आप गए थे यू माइट हैव फेल्ड ट्वाइस बट एक बार आप क्रैक किए हो बट अल्टीमेटली यू आर building for the judiciary at the end of the day yes I have streamlined my preparation for judiciary through LLM entrance exactly and lot of people they don't get it but actually ye ek initial stepping stone hai kisi bhi judiciary aspirant ka yes pura ka judiciary ke liye preparation karoge aur wahan par compete karoge usse acha pehle ek koi bhi chota exam do ya us level ka koi aur ek exam do jahan par aap khud ka ek प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हो बेटर कर सकते हो तो कॉन्फिडेंस आल्सो इन मॉक्स आई वाज कंपीटिंग विद शशांक ही इज फ्रॉम आरजीएनयूएल यस रंगीत ही इज फ्रॉम डब्ल्यूएनयूजेएस एंड आई वाज डूइंग इन सम मॉक्स आई वाज डूइंग बेटर देन देम सो इट वाज वेरी के यू आर कंपीटिंग यू आर फ्रॉम डिसेंट लॉ कॉलेज एंड यू आर कंपीटिंग विद द टॉप एनएलयू in the year, right? You might have failed. That's not the usme kuch problem nahi hai. But you are competing and many of the mocks you have done better than them. Theek hai? Tab usme aapko confidence mila. Yes. Uske baad you somehow you definitely you cracked the BHU at the end of the day, right? तो ये भी एक बहुत अच्छा instance आप setup किए कि judiciary तो जाना है but पहले LLM कर लेते हैं. Now अभी LLM के स्पेशलाइजेशन के बारे में क्या सोचे आकांक्षा कॉन्स्टिट्यूशनल ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पढ़े हो आप जुडिशरी में प्रोबेबली और पढ़ना है सर
और पढ़ना है राइट यस वी हैव रेड लॉट ऑफ थिंग्स राइट ये कॉन्स्टिट्यूशन में जजमेंट सारे अभी भी 500 की प्राइवेसी डीवाई चंद्रचूड़ ओपिनियन डीवाई चंद्रचूड़ ओपिनियन मराठा वी हैव रेड लॉट ऑफ थिंग्स हां यस कुछ छोटा नहीं था बट समहाउ इट हैजंट बीन आस्क्ड बट नॉनदिलेस नॉलेज सर आपकी क्लासेस बहुत एंटरटेनिंग भी तो होती थी ना लाइक विप्रो सर तो वेरी डिसिप्लिन्ड उनके क्लास में कुछ बोल नहीं सकते थे बट आपकी क्लासेस में आई यूज्ड टू हां So, देखो बात ये कि मित्रा 500 600 700 पेज का जजमेंट ठीक है अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो इट विल गेट बोरिंग ऑफ एंड ना नहीं हो सकता ठीक है आधार वाला जजमेंट जो पढ़ रहे थे इट वाज 1400 1500 पेज लाइक वन एमपीजेन वी आर रीडिंग एमपीजेन हम लोग एक एक इसके लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बीच में जाना एंड दैट्स व्हाई सो then we have to make it more interesting yes sir like privacy wala to easy bhi tha usme bahut sare cases the like AK Gopalan and all but Aadhaar was very boring usko to dekhne ki himmat nahi hoti hai agar aap socho exactly Aadhaar was very boring kyunki Aadhaar mein utna case laws tha hi nahi theek hai it was very technical kind of very technical case nonetheless but we have done tremendously well bahut kuch hum log kiye definitely you should believe in this and now and also another thing ke akanksha aapka shayad probably your whole career has changed by 1 year of so hard working preparation association with jurisdiction so far yes sir not only 1 year like I would say 8 to 10 months eight to because 10. After CLAT we classes were in then मुझे ही करना था कुछ भी करना था बट हाँ जर्सज हेल्प मी अ लॉट लाइक अ लॉट क्योंकि हम लोग का जो जो एसोसिएशन था 8 to 10 months का एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट लाइक यू के जिससे बेसिकली जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है दे डोंट नो दे आर नॉट गेटिंग द फैकल्टीज एंड फॉर देम इट इज क्वाइट क्वाइट मतलब एक प्लेटफॉर्म है कि जब आप आओ इफ यू हैव द ईगरनेस कि आपका अगर विलिंगनेस है आपका इंटेंशन है कुछ करना है तो यू कैन डू इट एंड वी आर गोइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ द स्टूडेंट एंड आप उसमें भी और एक एग्जांपल हो कि एक डिसेंट लॉ कॉलेज से आके जस्ट गिवन एवरीथिंग एंड फेल्ड इन बिटवीन एंड उसके बाद आप जाके यू आर गेटिंग द सक्सेस सो यू आर क्वाइट अ डिफरेंट एग्जांपल ऑल टुगेदर एंड आकांक्षा तो इसमें मैं कुछ बोलने वाली बात नहीं है बिकॉज आई हैड अ टॉक विद यू सो मेनी टाइम्स एंड it was very emotional jab CLAT aur ILET wala time yes. I know it was very emotional after CLAT it was emotional after ILET I thought theek hai abhi other options are there BHU is there but after CLAT it was emotional like I was expecting rank under 50 but it went very but it was because of me I did silly mistakes देखो वो दैट या अल्टीमेटली somehow और अदर के एलेट में भी क्वेश्चन ठीक है उस हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन किए थे उस लेवल का किसी भी उस लेवल का ही क्वेश्चन पेपर नहीं था नहीं था यस इस हिसाब से प्रिपरेशन किए थे तो दैट्स व्हाई के वी एक्सपेक्टेड कि आकांक्षा इज डेफिनेटली गोइंग टू गो थ्रू ईदर क्लैट और एलेट शी हैज गॉन थ्रू द बीएचयू अल्टीमेटली नो प्रॉब्लम सो दैट्स इट So any other feedback, Akanksha, that you want to share with us regarding Jurisedge, your experience overall,
How was it? My experience with Jersey was great. Like Aroi ma'am was there, Ambar sir, Smriti ma'am, everyone is great. Like they are gem of Jersey. Sameeksha ma'am taught us very international law in great detail. Like ELET mein jitne bhi questions aaye the, kuch bhi Sameeksha ma'am ke padha. Bahar se nahi aaya. Even everything has been asked. Yes, sir. Also, जब मैं analyze कर रही थी previous year paper BHU के भी ELET के भी, तो there was no question other than Sameeksha ma'am's notes जो Sameeksha ma'am ने दिए थे, उससे बाहर का कुछ भी नहीं था. Exactly. So it was a great decision to join JurisEdge in connect with you. Yeah, you were always there to help. Definitely, देखो, that's the bigger role to play. Like the you people, आप लोगों को एक मौका चाहिए, and you people are going to do it. I mean, that's your part. हम लोग एक just opportunity आपको लिए एक just platform बना के देंगे कि जाओ, your life would change after this. And definitely your life will change after this. And it is not only about one exam, CLAT, ELET, BHU. It is about building your stepping stone like yes. thing. Yes. ये बहुत important है, क्योंकि देखो LLM exam है, ये है, judiciary जाओगे. But association with jurisdiction is much more than only LLM exam. LLM exam तो definitely कराएंगे, but वो अगर 6-7 महीने में, because seriously आकांक्षा, last 5 साल में there are a lot of students, they said to me and they told me कि sir, this 6 months, 7 months, 8 months, 9 months has changed my whole career itself. ठीक है, and that gave me and team enough confidence. मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हाँ क्रैक होते हैं, लोग रैंक करते हैं, ठीक है, बट अगर किसी के लाइफ को एकदम मतलब पूरा डिफरेंट डायमेंशन दे देना एक एक कोर्स के माध्यम, तो अलग ही होता है वो. इट इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, लाइक आरोही मैम इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनएलआईयू. यस, ग्रेट. यस यस, इट इज नॉट ओनली अबाउट ओनली cracking CLAT or ELET. It is about your whole career, your whole summing up your 5-year LLB in 6 months. It is like this. Yes, yes. Very beautiful line. कि हम लोग वही करने की कोशिश करते हैं. आपका जो पूरा LLB का है 4.5-4 साल, हम लोग उसको sum up करके आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने yes. पढ़ाते हैं. And so that systematically आप उसमें command ले पाओ. ठीक है. Yes, sir. But that's a great experience with Akanksha, theek hai? I mean, there are a lot of students who have done great, but you are one of the example. Differently, matlab, differently upset kar chuke ho ek example. And I was about to call you, jis din aap BHU ka result aap mujhe send kiya, and I was about to call you, ke Akanksha ka kya hua, pata nahi, that she has taken that you or not, nonetheless. Tabhi mera message aaya ke BHU mein you have cracked it. So Prachi ka bhi shayad 17th rank hai DU mein. I have seen the list. Uska naam tha. Aha, to Prachi se bhi baat hua tha beech mein. So dekho, so Prachi is another example. Prachi is I messaged her personally that congratulations. Chalo. That's the thing. Ke Prachi se bhi baat hua hai, but Prachi se DU wala result ke baad. Ye result bolno ka marks jab out hua tab pata tha. Uske baad mujhe pata nahi tha. Theek hai. So, nonetheless, definitely Prachi wala result sunne bhi bahut achha laga, kyunki Prachi is another candidate. She is going to be cracked. She was cracking the CLAT or ELET. ठीक है, definitely for sure. But चलो. Yes. किसी का DU लिखा है, किसी का BHU लिखा है, तो in the end होना तो है ही है जो आपको. होना तो है ही है. ठीक है, the when you are going to get trained and coached like this, तो आपका होगा ही, एक ना एक जगह तो होगा ही, definitely for sure. वैसे भी इस बार इतना लेट हो गया था कि फिर मुझे लगा कि नहीं भी होगा BHU में, तो 4-5 महीने तो और ही है ELET के लिए. फिर ELET की डेट भी आ गई थी, तो आई थॉट कि ठीक है चलो नहीं भी होगा इसमें तो, बट आई वाज कॉन्फिडेंट आफ्टर एग्जाम कि आई एम गेटिंग गुड रैंक. यस यस, दैट्स देयर कि आपका रिजल्ट, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आप यू कंटिन्यू, यू परसिस्टेड आफ्टर द ELET. ठीक है, बिकॉज़ लॉट ऑफ स्टूडेंट ना BHU के लिए शायद फॉर्म भी फिलअप नहीं किए थे. Yes, right. They're going for the private. Yes. They're going for थोड़ा सा लेट हो गया था, रिजल्ट में भी 2 महीने लेट हो गया. COVID के चलते बहुत सारा चीज चेंज हुआ है, तो that's why कि you persisted, maximum of the students didn't. Because I knew कि CRPC, evidence, IPC तो मुझे वहाँ भी पढ़ना ही है, शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अभी पढ़ लूँ, पढ़ा है तो रिवाइज ही कर लूँ. I thought कि there is no harm. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉनेलेस आकांक्षा, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड
do let me know in any other way I can help you, and I'll do one massive hallway every time. I know, sir. Take care, chalo. All the best, all the very best. Have a great day ahead. Okay. Thank you. And if you face any problem in your LLM and everything, so just message me. Yes. All the best. Thank you, sir.